हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फार्माशाइन में। आज हम बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की 2019-20 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 5 करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 7 नंबर का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट को परिभाषित करना है। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक इज एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस और कंपाउंड दैट इज अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, सेप्सिस और पेट्रोफिकेशन। एंटीसेप्टिक का मेनली यूज होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग टिश्यू पे या लिविंग ऑर्गन पे। और जो डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस कंपाउंड यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनर्ट सर्फेस, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे फर्श को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उनका क्या योगदान रहा है माइक्रोबायोलॉजी में। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम लिख सकते हैं, इन 1928 फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया? पेनिसिलिन, द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये एक एंटीबायोटिक्स होता है, इसका मेनली यूज एंटीबायोटिक्स के रूप में किया जाता है। तो इन्होंने पहले खोजा था पेनिसिलिन को, सो इनका मेन योगदान यही रहा है। ही ग्रू कल्चर ऑफ बैक्टीरिया ऑन पेट्री डिशेस इन द हॉस्पिटल वेयर ही वर्क। ये जिस हॉस्पिटल में काम करते थे उसी में इन्होंने पेट्री डिश पे कल्चर मीडिया को ग्रो कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ विल यू डिफाइन पाश्चराइजेशन, जो पाश्चराइजेशन होता है उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो पाश्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच पैकेज्ड एंड नॉन पैकेज्ड फूड सच एज मिल्क एंड फ्रूट जूस आर ट्रीटेड विद माइल्ड हीट, यूजली टू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, टू एलिमिनेट पैथोजेंस एंड एक्सटेंड लाइफ। तो इसको हम कह सकते हैं कि पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मिल्क हो या फ्रूट का जूस हो, इस आज सबको मतलब माइल्ड हीट पे गर्म करते हैं, मतलब हल्की आंच पे गर्म करते हैं, 100 डिग्री से कम पे, जिससे उसमें वायरस या बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल किया जा सके। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेप्टिक एंड क्लीन एरिया, एसेप्टिक एंड क्लीन एरिया से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा इसका, एसेप्टिक एरिया इज अ रूम और स्पेशल एरिया विद इन द क्लीन रूम डिजाइन कंस्ट्रक्टेड सर्वाइव्ड एंड यूज विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो इसका मेन पर्पज क्या होता है एसेप्टिक एरिया का, कि कंटामिनेशन से बचाने के लिए इसको एक अलग तरह से डिजाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, जिसमें फॉरन पार्टिकल्स या कोई भी कंटामिनेशन ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्रा ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाना है और उसका नाम लिखना है। सो मेनली इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे होता है, आप इसको और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें एक ये जो पूंछ के समान संरचना होती है इसको फ्लैजिलम कहते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है पिलाई से कहते हैं, इसका बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल में बहुत ही योगदान होता है। तो इसमें सबसे पहले इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल पाया जाता है इसमें, कैप्सूल पाया जाता है, एंडोस्पोर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं एंड प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप बैक्टीरिया का डायग्राम बना सकते हैं बैक्टीरियल सेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड माउल्ट्स, ईस्ट एंड माउल्ट्स का डिफरेंस इसमें क्या होता है? तो जब भी किसी भी चीज के बारे में डिफरेंस पूछते हैं, उसका अंतर पूछते हैं, तो जैसे दो जो चीजें हैं तो उसको एक इस तरफ लिखा जाता है, एक इस तरफ लिखा जाता है, जिससे इसे डिफरेंस करने में आसानी हो। और ऊपर लिखने से इसमें थोड़ा सही से नहीं होता है, तो इसलिए डिफरेंस जहां कहीं भी पूछे इसको दो पार्ट में डिवाइड करके लिख देना चाहिए। ईस्ट रेफर्स टू द माइक्रोस्कोपिक फंगस कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल ओवल सेल, ईस्ट जो होता है इसमें सिंगल ओवल सेल होता है। माउल्ट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ फॉर्म ऑफ फंगस विच ग्रो इन द फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी, इसमें हाइफी पाया जाता है जो मल्टी सेलुलर होता है, वेरी कॉमन इन द एनवायरमेंट, जो ईस्ट होता है बहुत ही साधारण होता है वातावरण में हमारे, फाउंड इन द डैम्प डार्क एंड स्टीम फिल्ड एरियाज। ईस्ट होता है रिप्रोड्यूस थ्रू ए बडिंग, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। एंड माउल्ट्स में होता है रिप्रोड्यूस थ्रू आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में ये इसका रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
एनालिस द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन का मोड्स कितने प्रकार के होते हैं इसको लिखना है। तो फंजाई हैव मीन थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला होता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इसमें क्या पूछा है कि एनालिस द वेजिटेटिव मोड, वेजिटेटिव पूछे हैं। तो वेजिटेटिव फर्दर डिवाइडेड होते हैं इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलोइंग मेथड इंक्लूड। इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है, बडिंग होता है, ओइडिया होता है, एंड क्लाइमेडोस्पोर्स होते हैं, राइजोमोर्फ्स होते हैं, एंड स्क्लेरोचिया होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव और किल ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई फ्रॉम द सर्फेस ऑफ नॉन लिविंग टिश्यू और लिविंग थिंग्स। सिंपल मीनिंग मतलब फ्री ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब स्टेरिलाइजेशन का मेन पर्पज ये होता है कि रिमूव ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना होता है या हटाना होता है, इसीलिए हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्बिक। इम्बिक से आप क्या समझते हैं? दिस इज द बायोकेमिकल सीरीज ऑफ टेस्ट विच इज परफॉर्म फॉर डिफरेंशिएट इनटू इंटेरोवेक्टर। ये मतलब एक ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ टेस्ट होता है जिसमें आई का मतलब होता है इंडोल टेस्ट, एम का होता है मेथिल रेड टेस्ट, एंड वी आई मतलब वोगेस परोस्कर टेस्ट, एंड सी साइट्रस यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो आपको मेनली थोड़ी सी इसके बारे में लिखना है, उसके बाद इसका फुल फॉर्म लिख देना है, बस दो नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, एनालिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट। फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं उसका नाम लिखना है। तो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, राइडल वॉलकर मेथड फॉर फिनॉल कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन एंड चिक मार्टिन टेस्ट। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए समाप्त होता है। अब देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में तीन क्वेश्चन होते हैं 10-10 नंबर के, इसमें दो करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें जो ब्रांच होते हैं उसी में स्कोप होता है, तो इसे देख लेते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मेनली टू टाइप्स होते हैं, प्योर माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस। प्योर में क्या होता है, वायरोलॉजी होता है, बैक्टीरियोलॉजी होता है, माइकोलॉजी होता है, फाइकोलॉजी होता है, पैरासाइटोलॉजी होता है, इम्यूनोलॉजी होता है, निमेटोलॉजी होता है, प्रोटोलॉजी होता है। तो आगे हम लोग को थोड़ा और ब्रीफली में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वायरस, जिसमें वायरस की स्टडी करते हैं उसे वायरोलॉजी कहते हैं। फिर होता है सेकंड बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एलर्ज, एंड पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोबियल पैरासाइट्स एंड अदर पैरासाइट्स। प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोवा, इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बाय द रिलेशनशिप विद माइक्रोब्स। निमेटोलॉजी स्टडी ऑफ निमेटोड्स। सो एंड सेकेंड होता है इसमें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच इसमें होता है पहला मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी रिलेटेड टू द माइक्रोब दैट कॉजेज डिजीज, दियर डायग्नोस्टिक एंड प्रिवेंटिव मीजर, ड्रग डिजाइनिंग इट्स। इसमें क्या होता है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मेनली हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स के बारे में जो बीमारियां पैदा करते हैं या उनका हम बीमारियों को कैसे ठीक करते हैं, इन सब के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है इस ब्रांच में। दूसरा है फूड एंड माइक्रोबायोलॉजी। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब्स काउजिंग फूड स्पॉइलेज, फूड बॉर्न इलनेस, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय माइक्रोब्स एंड फर्मेंटेशन। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में मिली हम फूड और डेयरी में किस प्रकार से प्रिजर्वेशन का उपयोग करते हैं या फिर इसमें कैसे कंटामिनेशन होते हैं या कुछ फूड एंड डेयरी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इसी में इसका मतलब स्कोप भी होता है, ब्रांच भी होता है, स्कोप भी होता है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रॉप्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, साइक्लिंग ऑफ बाई माइक्रोब्स, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेस, प्लांट डिसीज, यील्ड्स इंप्रूवमेंट इट्स। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी अच्छा स्कोप है। और इसमें हम किस चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं एंड क्रॉप्स जो फसलें होती हैं, माइक्रोब्स का रिलेशन क्या होता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है, इसमें क्या क्या सॉइल न्यूट्रिएंट्स में किसकी आवश्यकता होती है, किस प्रकार से हम पैदावार अच्छी कर सकते हैं, या कुछ भी जैसे माइक्रोब्स का एग्रीकल्चर में क्या उपयोग होता है, इस सब के बारे में इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल यूजफुल माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस, विटामिन्स, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज, ETC। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम मेनली
देखते हैं, पढ़ते हैं या सीखते हैं कि स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल यूजफुल माइक्रोब्स, मतलब स्टडी में मतलब इंडस्ट्री में माइक्रोबियल इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से माइक्रोब्स इंडस्ट्री में नेसेसरी होते हैं या इनका क्या उपयोग होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, विटामिन्स में एंड प्रोटीन्स में। अगला देखते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड दियर प्रिजर्वेशन स्टेलाइजेशन ईटीसी लाइक एंटीबायोटिक्स वैक्सीन विटामिन एंजाइम ईटीसी। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है, इसमें हम मेनली देखते हैं कि किस प्रकार से माइक्रोब्स का यूज होता है या उसके प्रिजर्वेशन में, स्टेलाइजेशन में एंड वैक्सीन वैक्सीन बनाया जाता है इसमें, तो इस किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं। अगला एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन या एग्जामिनेशन, इकोलॉजी, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्टेस ईटीसी। नेक्स्ट है एक्सो माइक्रोबायोलॉजी, एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। अगला होता है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप माइक्रोब्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सेक्शन बी में, राइट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइनफेक्टेंट, डिसइनफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है इसके बारे में हमें लिखना है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा लॉन्ग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं जिससे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए या फिर जो एग्जामिनर है वो देखे कि हाँ थोड़ा अच्छे से लिखे हैं ये। तो डेफिनेशन क्या होगी डिसइनफेक्टेंट के बारे में, ए डिसइनफेक्टेंट इज ए केमिकल सब्सटेंसेस और कंपाउंड यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दियर इनर्ट सर्फेस और नॉन लिविंग सर्फेस, जैसा कि इसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी था। तो डेफिनेशन आसान है इसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइनफेक्टेंट, द डिसइनफेक्टेंट इज क्लासिफाइड एज फॉलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइनफेक्टेंट होते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन है, ये हैलोजेंस होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, एसिड एंड एल्कलीज, फिनॉल्स एंड डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड, डिटर्जेंट्स एंड सोप, डाइस, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। तो इसका मोड ऑफ एक्शन भी देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजेंस, द जर्मिसाइडल एक्शन ऑफ हैलोजेंस एंड इट्स कंपाउंड्स इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरस एसिड। इसमें देखते हैं जर्मिसाइडल एक्शन, जर्मिसाइडल मतलब टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका एक्शन जो होता है ये होता है किसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरस एसिड बन जाता है इसी के कारण इसका जो एक्शन होता है वो शो करता है। तो व्हेन फ्री हैलोजन रिएक्ट्स विद वाटर इट सो द हाइड्रोक्लोरस या इट प्रोड्यूस द हाइड्रोक्लोरस एसिड। तो इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है, एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। तो इसमें जब क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरस एसिड बनेगा। तो इसमें O2 जो होता है और रिलीज जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसके माइक्रोऑर्गेनिज्म की डेथ कैसे होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड प्रोटीन और एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा होता है, यही इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। दूसरा हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स का डिसइनफेक्टेंट में किस प्रकार होते हैं, द साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, सिल्वर एंड कॉपर आर यूज एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। अब सिल्वर का, मरकरी का एंड कॉपर का यूज किया जाता है, दैट एज माइक्रोबियल माइक्रोबिसाइडल बाई कंबाइनिंग विद द थायोल ग्रुप ऑफ सेलुलर प्रोटीन। तो बैक्टीरियो स्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल 2 प्रकार के होते हैं, तो इसको हम भी देखेंगे आगे। तो इसमें मर्क्यूरियल क्लोराइड होता है एम्प्लॉयड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, मर्क्यूरियल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज में। तो मोड ऑफ एक्शन इसका होता है, थायोल ग्रुप जो होता है कंबाइन हो जाता है किसके साथ, इन सेलुलर प्रोटीन। अगला डिसइनफेक्टेंट और इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। अगला होता है अल्कोहल, अल्कोहल में इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल आर यूटिलाइज एज स्किन एंटीसेप्टिक, वाइल मिथेनॉल वेपर हैज बीन यूटिलाइज एज ए फंगीसाइड। तो इथेनॉल आइसोप्रोपेनॉल का प्रयोग किया जाता है स्किन एंटीसेप्टिक रूप में। दे आर ऑल्सो डिहाइड्रेशन एजेंट, इसको डिहाइड्रेशन एजेंट भी कहते हैं। एल्कोहल कंसेंट्रेशन अब 60% आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, एल्कोहल आर यूज प्रिजर्वेटिव इन सम वैक्सीन। तो एल्कोहल हो गया, एसिड एंड एल्कली के बारे में देखते हैं, द जर्मिसाइडल एफिशिएंसी एज एसिड इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ दियर सॉल्यूशन, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट विद डिक्रीज ऑन किल बैक्टीरिया। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है एसिड एंड एल्कलीज का, कि दे प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट विद डिक्रीज द ऑन विद डिक्रीज और किल द बैक्टीरिया, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिससे कि बैक्टीरिया या वायरस मर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड।
अगला होता है फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स, दे आर मेनली डिस्ट्रॉय द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल, प्रेसिपिटेशन ऑफ सेल प्रोटीन, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द सेल। तो इसका मेन एग्जाम्पल होता है फिनॉल, ऑर्थोक्रेसोल और मेटाक्रोसोल, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है एल्डिहाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड इज मेनली यूज्ड, इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ लेंस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें मेनली जो है फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है और इसका यूज स्टेलाइजेशन प्रोसेस में किया जाता है ज्यादातर। तो एल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट का मोड ऑफ एक्शन हुआ। अगला देखते हैं डिटर्जेंट्स एंड सॉप, दे आर वाइडली यूज्ड एज सर्फेक्टेंट, क्वैटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स और कैटायनिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, सॉप्स एंड सोडियम लाइरोइल सल्फेट आर एनायनिक कंपाउंड्स। डाइस, डाइस का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वेरियस बेसिक एंड एसिडिक डाइस आर अवेलेबल व्हिच हैव बीन फाउंड इन विट बैक्टीरियल ग्रोथ, बेसिक डाइस मोर इफेक्टिवली किल द माइक्रोब्स देन द एसिडिक डाइस, इसका एग्जाम्पल है एक्रीडीन एंड ट्राइफेनिल मीथेन। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ जेलिनेशन स्टेनिंग, तो इसमें दो ही करना होता है, तो हमने दो आपको बता दिया, एक आप खुद थोड़ा ढूंढ के लिखिए। अगला देखते हैं सेक्शन बी, अगला सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर्ड मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें आपको बैक्टीरिया के बाद फोन लिखना है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में लिखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में देखते हैं, बैक्टीरिया डेफिनेशन देखते हैं, मतलब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पहले लिख देंगे तो अच्छा होता है। तो वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन ओनली बी सीन विद स्पेशल इक्विपमेंट्स, मतलब माइक्रोस्कोप से केवल देख सकते हैं। बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ एयर वाटर सोइल प्लांट्स एंड द बॉडीज ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज। बैक्टीरिया जो होता है लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, पानी में होता है, मिट्टी में होते हैं और मनुष्यों में भी होते हैं। तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं डिसीज भी कॉज करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं शॉर्ट टाइप आंसर में, तो इसमें जो मेनली होता है कैप्सूल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। तो कैप्सूल जो होता है दो प्रकार का होता है, मैक्रो एंड माइक्रो, एंड सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, थिक होता है, थिन होता है, थिक जो होता है 20 से 80 nm होता है, एंड जो थिन होता है 7 से 8 nm होता है। इसमें जो न्यूक्लियाइड होता है वो 60% DNA, 30% RNA एंड 10% प्रोटीन से बना होता है। तो टोटल बैक्टीरिया में 98% वाटर एंड 2% न्यूक्लियाइड में 2% जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो जिसमें पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इसका मेन वर्क आप चाहे तो लिख सकते हैं, हम पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। इसमें कैप्सूल होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, फ्लैजिला होता है, एंड न्यूक्लियोइड्स होता है, इंक्लूजन बॉडी होता है, मिसोसोम एंड राइबोसोम एंड पिलाई होता है। तो कैप्सूल क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लिपिड सेल स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका कंपोजिशन होता है 98% वाटर एंड 2% ग्लाइकोप्रोटीन, 98% वाटर एंड 2% ग्लाइकोप्रोटीन का ये बना होता है कैप्सूल। इसमें जैसा कि आप देख चुके हैं माइक्रो एंड मैक्रो होता है। सो सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट जो बैक्टीरिया का होता है वो होता है सेल वॉल, इट आल्सो थिक स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो होता है ये थिक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर का बना होता है। इसको हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, इसका मेन वर्क जो होता है प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन सेप एंड एडेफिकेशन टू द सेल ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल का जो मेन वर्क होता है ये प्रोटेक्शन एंड सेप देता है। अगला होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो इसके ये स्ट्रक्चर है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, थिन लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ बैक्टीरिया। ये जो होता है फॉस्फोलिपिड लेयर से बना होता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह भी कार्य करता है। अगला होता है साइटोप्लाज्म, ये देख रहे हैं आप साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका न्यूक्लियोइड कहा जाता है इसको, इसमें 60% न्यूक्लियोइड कहा जाता है, 10% प्रोटीन होता है, मतलब 60% DNA, 30% RNA एंड 10% प्रोटीन होता है। इसका अगला पार्ट जो होता है इंक्लूजन बॉडी, इसका मेन वर्क होता है फूड और फूड से ये फूड को स्टोर करता है। अगला होता है राइबोसोम, में प्रोटीन सिंथेसिस में उपयोग किया जाता है, 70 स्टाइप के राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। और अगला होता है मीसोसोम, ये सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। फिर प्लेजिला,
फ्लैजिला इसको कहते हैं, ये जो पूंछ जैसी संरचना होती है इसको फ्लैजिला कहते हैं। 15 से 20 cm लॉन्ग होता है एंड 2 से 5 cm इसका डायमीटर होता है। ये एंटीना की तरह कार्य करता है, सिग्नल देता है बैक्टीरिया को। क्या देता है? फ्लैजिला सिग्नल प्रदान करता है। पिलाई होता है, इट इज स्मॉल थिन 8 से 10 हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें जो पिलाई होता है ये ऐसे ऐसे इसमें रचना होती है, इसको पिलाई कहते हैं। पिलाई होता है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया में योगदान देता है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया करता है ऑफ अदर बैक्टीरिया। ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में भी उपयोगी होता है। अगला देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया एंड फास्ट बैक्टीरिया। फास्ट बैक्टीरिया को स्यूडो बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ट्रू बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेरिकल होता है, रॉड होता है, और ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, एक्टिनोमाइसिटी, स्पायरोचेट्स, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडी। तो जो ट्रू बैक्टीरिया होता है मेनली 2 टाइप्स होता है, स्फेरिकल एंड रॉड। जो स्फेरिकल होता है इसको कोकस कहते हैं, जो रॉड होता है इसको पैसिलस कहते हैं। तो इसमें जो जो कोकस होता है इसको कोकाई भी कहते हैं, जिसमें कोकाई जो सिंगल फॉर्म होता है उसका मोनोकोकस कहते हैं, जिसमें पेयर में होता है उसको डिप्लोकोकस कहते हैं, जिसमें पेयर में ना हो के ग्रुप ऑफ 4 4 के ग्रुप में तो टेट्रा, मतलब टेट्रा का मतलब 4, तो इसको टेट्रा कोकस कहते हैं। जो चैन चैन के रूप में होता है इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, क्यूब क्यूब में होता है सार्सिनोकोकस कहते हैं, एंड जो गुच्छे के रूप में होता है तो स्ट्रेप्टाइलोकोकस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप कोकस को कहते हैं मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिनोकोकस एंड स्ट्रेप्टाइलोकोकस। इसी प्रकार बैसिलस में होता है रोड होता है, जिसमें सिंगल रोड होते हैं, मोनो मोनो रोड को बैसिलस कहते हैं, सिंगल रोड होता है मोनो बैसिलस, जिसमें पेयर में होता है डिप्लोबैसिलस, 4 में होता है तो टेट्राबैसिलस, एंड जो चेन के रूप में होता है तो इसे के सार्सिनोबैसिलस एंड इसको स्ट्रेप्टाइलोबैसिलस। अब देखते हैं फास्ट बैक्टीरिया, स्यूडो बैक्टीरिया। इसमें सबसे पहले होता है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिन एक्टिन मतलब होता है रे, माइसिस मतलब फंगस होता है। दे आर रिगिड ऑर्गेनिज्म दैट लाइक बट बैक्टीरिया बट दे आर रिसेम्बल फंगाई इन दैट दे एग्जिबिट बैलेंसिंग द फॉर्म फिलामेंट्स। तो बेसिकली जो क्या होता है, ये होता है ग्राम पॉजिटिव होता है, एक्टिनोमाइसिटीज ग्राम पॉजिटिव होता है, लुक लाइक फंगस, तो फंगस की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम होता है एक्टिनोमाइसिटीज। तो दूसरा होता है स्पायरोचेट्स, स्पायरोचेट्स क्या होता है, लुक लाइक फंगस, ये भी फंगस की तरह दिखता है, ये रिलेटिवली लॉन्गर होता है, सिलेंडर शेप में होता है एंड नॉन बैलेंस्ड होता है, नॉन ब्रांच्ड होता है। बेसिकली जो होता है ग्राम नेगेटिव होता है एंड लेंथ इसका जो होता है 300 से 500 μm होता है। इट मे बी कोकस और बैसिलस बट डबल मेम्ब्रेन, ये जो होता है मेनली ये होता है डबल मेम्ब्रेन। अगला होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होता है ओवल शेप्ड में होता है, ये लुक लाइक वायरस, मतलब वायरस के जैसा दिखता है, इसमें डीएनए होता है एंड राइबोसोम होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नॉट डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट जो होता है रिकेट्सिया होता है, ये जो होता है फिलामेंट, इसमें कोई चैन जो है प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब कोई चैन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट, नॉन मोटाइल मतलब होता है नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। बेसिकली ये होता है ग्राम निगेटिव होता है एंड 0.1 से 0.4 μm होता है। तो ये शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया है, इसको आप 2-3 लाइन बढ़ा के सेम चीजें एक लाइन में लिख देते हैं, लिख सकते हैं इसे लुक लाइक ये वायरस, ये वायरस की तरह दिखता है, फिर दूसरी लाइन में इसका शेप लिख सकते हैं, इसका मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन क्या होता है इसका, इस तरह से आप 2-4 लाइन में इसको 3-4 लाइन में एक एक को लिख सकते हैं, स्पायरोचाइट्स को 2-3 लाइन में लिख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा को लिख सकते हैं, इस प्रकार आप लॉन्ग आंसर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लेमाइडी, ये ओवल शेप्ड होता है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन प्लस प्रोटीन होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन प्लस प्रोटीन होता है। इट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल टू डिजीज इन द ह्यूमन, ये ह्यूमन में जो डिजीज होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली आई पे इफेक्ट करता है, आपकी बीमारी इसी के कारण हो सकती है, होती हैं। सो ये आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, सॉरी सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको सेक्शन ए में भी बताया था कि अगर डिफरेंस पूछता है तो आपको 2 पार्ट में लिखना होता है, एक एक साइड में एक का और दूसरे साइड में दूसरे का, इससे डिफरेंस आसानी से आप
देख सकते हैं। तो इसमें ड्राई हीट एंड स्टेलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का डिफरेंस देखना है। तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन दैट यूजेस हाई टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में इसका हाई मतलब टेम्परेचर का यूज होता है, इसे ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में। मॉइस्ट हीट में क्या होता है, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन दैट यूज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें हाई टेम्परेचर भी यूज होता है, प्रेशर भी होता है जो वाटर स्टीम के द्वारा जनरेटेड होता है। इन दिस मेथड मतलब ड्राई हीट इंस्टॉलेशन में, इन दिस मेथड ड्राई हीट इज यूज, मतलब ड्राई हीट है तो ड्राई हीट इज होता है, इसमें मॉइस्ट हीट यूज होगा, इसमें कंडीशन ड्राई होगी, इसमें वेट होगी। द मेन मेथड यूज फॉर द इंस्टॉलेशन फ्लेमिंग हॉट एयर ओवन एंड इंसिनरेशन। इसमें क्या होता है, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। इन ड्राई हीट स्टेलाइजेशन किलिंग इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन, इसका जो मेथड होता है प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज इसको कर देता है या टॉक्सिक इफेक्ट्स हो करता है, जिसके कारण से माइक्रोब्स का या किल हो जाते हैं माइक्रोब्स। इन दिस टाइप मेनली डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज हॉट एयर ओवन, जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो हॉट एयर ओवन होता है। इसमें मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो होता है ऑटोक्लेव होता है। दिस मेथड कंज्यूम मोर टाइम, मतलब ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में कम टाइम लगता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब देखते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स इन कंटामिनेशन ऑन एसेप्टिक एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। दीज आर वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, जो एसेप्टिक एरिया में होता है कंटामिनेशन कैसे होता है और उसका प्रिजर्वेशन का मेथड क्या है। तो इसमें मेनली टू टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स होता है, इंटरनल सोर्स होता है। किसका, कंटामिनेशन का। कंटामिनेशन मतलब दूषण, या उसमें कोई प्रदूषण, या जैसे अब इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, खराब ना हो प्रोडक्ट, जिसके कारण तो वही कंटामिनेशन कहते हैं या दूषण कहते हैं। तो कंटामिनेशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से हो जाता है, इंटरनल सोर्स से हो जाता है। एक्सटर्नल सोर्स में मेनली एटमॉस्फेयर आ जाता है, और इंटरनल सोर्स में जो ऑपरेटर काम करता है, जो इक्विपमेंट यूज होता है, या फिर रॉ मटेरियल जिसके द्वारा हम प्रिपरेशन बनाते हैं, तो या कोई भी मेडिसिन बनाते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स में होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर इज द मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। तो एटमॉस्फेयर है तो इसमें मोस्टली तो एयर ही होगा, तो इसमें मेजर सोर्स जो है एयर होता है। इट कंटेन डस्ट पार्टिकल माइक्रोब स्पोर्स, इसी के द्वारा डस्ट पार्टिकल माइक्रोब्स को मतलब इसी के द्वारा फैलते हैं। तो इसका प्रिवेंशन का क्या मेथड है, इसमें प्रिवेंशन भी पूछे हैं क्वेश्चन में। तो साथ साथ इसका पहले हम सोर्स लिखेंगे कंटामिनेशन की, और उसके बाद प्रिवेंशन भी, उसका प्रिवेंशन का मेथड भी लिख देंगे। तो इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन कैन बी कंट्रोल बाय हाई एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन, हाई एफिशिएंसी का फिल्ट्रेशन के द्वारा, सीलिंग स्पेस, इफेक्टिव सीलिंग स्पेस एंड स्पेस पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन के द्वारा, या मेनली इसका जो होता है यूज होता है इसका प्रिवेंशन में, वो होता है हाई एफिशिएंसी ऑफ फिल्ट्रेशन। सो सेकंड है इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्स में ऑपरेटर मतलब जो व्यक्ति या जो पीपल जो काम करता है उसमें, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए, उसके द्वारा भी कंटामिनेशन हो सकता है, उसके द्वारा भी दूषण हो सकता है। पीपल इन द वर्कशॉप कार्ड कुड बी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ स्किन फ्लेक्स, कॉस्मेटिक एंड रेस्पिरेटरी इमिशन। द स्किन, हेयर एंड क्लॉथिंग ऑफ द ऑपरेटर आर मेन सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन। मतलब जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, उनका बाल के द्वारा या उनके त्वचा पे माइक्रोब्स आके उसमें प्रिपरेशन में मिल जाना, या उनके कपड़ों में धूल वूल चपक, जो धूल चिपक किया जाती है उसके द्वारा भी हो जाता है। द लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर आल्सो प्ले रोल इन कंटामिनेशन। मतलब कोई अगर काम कर रहा है उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो उसके द्वारा भी कंटामिनेशन हो जाता है। इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, द कंटामिनेशन मे बी रिड्यूस दैट ऑपरेटर इज इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। मतलब जो इंडस्ट्री के द्वारा यूनिफॉर्म उसको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कोरोना काल में पीपीई किट जो होता है वो भी एक तरह से यूनिफॉर्म है, जिसके द्वारा माइक्रोब्स को अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, पीपीई किट। उसी प्रकार से हर एक इंडस्ट्री अपना यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे कि कंटामिनेशन होने का चांस कम हो। तो यूनिफॉर्म एसेप्टिक एरिया विद फुली कवर्ड बॉडी, ऑपरेटर में भी स्किल्ड, मतलब वो स्किल होना चाहिए, ये नहीं कि एक दो महीना कुछ सीखा आधा अधूरा उसके बाद काम करने चला गया, तो वो कंटामिनेशन उसमें कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे रॉ मटेरियल क्या होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं या किसी प्रिपरेशन बनाते हैं या मेडिसिन बनाते हैं, उसमें जो सबसे पहले जो प्रोडक्ट का यूज होता है, या मेनली जिस प्रोडक्ट का यूज होता है, कच्चा पदार्थ, मतलब रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा पदार्थ होता है। जैसे इसमें पेट्रोल बनाया जाता है, तो पेट्रोल को प्योरीफाइड किया जाता है, उसके पहले जो ऑयल खरीदा जाता है क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल कहते हैं कुछ कहते हैं, वो कच्चा तेल होता है, उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल से हम
पेट्रोल बनाते हैं, ग्रीस बनाते हैं, मतलब जो कुछ भी बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल जो कंटामिनेशन कॉज करता है, तो इसका प्रिवेंशन कैसे होता है? ऑल द रॉ मटेरियल टेस्टेड प्रॉपरली, रॉ मटेरियल को पहले टेस्टेड किया जाना चाहिए बाय द हीट ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन एंड अदर स्टेलाइजेशन प्रोसेस इन द रॉ मटेरियल, वाटर में भी ट्रीटेड बाय यूवी रेस, इसका मेजर सोर्स वाटर होता है रॉ मटेरियल का, तो इसको यूवी रेस से हम ट्रीट कर सकते हैं। अगला है इक्विपमेंट, अगला कंटामिनेशन जो कॉज कर सकता है इक्विपमेंट्स होता है। द इक्विपमेंट यूज इन होल्डिंग प्रोसेस, ट्रांसफरिंग एंड पैकेजिंग आर ऑल्सो कॉमन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया, इट इज ड्यू टू इम्पोरर डिजाइन, इम्पोरर क्लीनिंग, लैक ऑफ स्टेलाइजेशन। तो इक्विपमेंट्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं, इक्विपमेंट से जो कंटामिनेशन होता है इसे कैसे प्रिवेंट करते हैं? इट मे बी रिड्यूस बाय द स्टेलाइजेशन प्रोसेस, स्टेलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उससे रिड्यूस कर सकते हैं। इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन बिफोर एंटरिंग द क्लीन रूम, मतलब इक्विपमेंट को सही अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। तो ये हुआ कुछ सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन एंड उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया, तो इसमें जो डिजाइन होता है एंड कॉन्सेप्ट कैसे होता है एसेप्टिक एरिया क्लीन रूम का, उसको हम जानते हैं। तो क्यों किया जाता है इसका, मतलब मेनली इसका पर्पस क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया, कि इसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, अच्छे से प्रोडक्ट बन सके और कोई मिस यूज ना हो या मिस मतलब साइड इफेक्ट ना हो प्रोडक्ट का, सही से बन सके। तो प्रोडक्शन ऑफ स्टराइल प्रोडक्ट शुड बी कैरीड आउट इन ए क्लीन एनवायरमेंट, मतलब जो स्टराइल प्रोडक्ट होता है उसको क्लीन एनवायरमेंट रखा जाता है विथ लिमिट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी ऑफ माइक्रोबियल एंड डस्ट पार्टिकल कंटामिनेशन, दिस लिमिट फॉर कंटामिनेशन नेसेसरी रिड्यूस द प्रोडक्ट कंटामिनेशन, द प्रोडक्शन एरिया इज नॉर्मल डिवाइडेड इनटू, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं अभी, क्लीन एरिया, द कंपाउंडिंग एरिया, द एसेप्टिक एरिया, क्वारंटाइन एरिया एंड द पैकेजिंग सेलिंग एरिया। तो इसमें डिजाइन क्या होता है, फ्लो डायग्राम इसमें देखा गया है, आप देख सकते हैं ऑफिस होता है, स्टॉक रूम होता है, कंपाउंडिंग एरिया होता है, क्लीन एरिया होता है, एसेप्टिक फिलिंग एरिया होता है, स्टेलाइजेशन होता है, क्वारंटीन होता है, पैकेजिंग एंड फिनिशिंग, सबसे लास्ट में स्टोरेज एंड शिपिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। स्टोरेज एंड शिपिंग और क्वालिटी कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी चेक करता है मेडिसिन की या प्रिपरेशन की कि सही है कि इसमें कोई कंटामिनेशन हुआ है उस हिसाब से। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले होता है क्लीन अप सेक्शन, तो क्लीन अप सेक्शन में क्या क्या होता है हम आगे भी इसके बारे में देखेंगे। तो क्लीन अप सेक्शन क्या होता है, द क्लीनिंग एरिया एज वॉल्स एंड सीलिंग मेड अप ऑफ फिल्म कोटिंग मटेरियल्स, तो क्लीनिंग एरिया होता है उसका वॉल्स या दीवार जो होती हैं वो फिल्म कोटिंग मटेरियल से बनी होती हैं, तो फॉर टू रिड्यूस द कंटामिनेशन या टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। एयर इनसाइड द क्लीन एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रोबिज्म, जो एयर होता है कंटामिनेशन जो कंटामिनेशन कॉज करता है एयर, इस एरिया में बिल्कुल फ्री होता है डस्ट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कंपाउंडिंग सेक्शन होता है दूसरा, कंपाउंडिंग सेक्शन में दिस एरिया कंटेन्स स्टेनलेस स्टील कैबिनेट्स एंड काउंटर्स एंड इज इन्वॉल्व इन द एक्चुअल कंपाउंड ड्यूरिंग वेइंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन नेसेसरी। तीसरा होता है सेप्टिक एरिया, सेप्टिक एरिया में क्या होता है, इन दिस एरिया स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर शुड बी अडॉप्टेड टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन शुड बी डन आउटसाइड द सेप्टिक एरिया, द कंपाउंड प्रिपरेशन, कंपाउंड एंड प्रिपरेशन आर देन ट्रांसफर टू द एसेप्टिक एरिया थ्रू पाइपलाइंस वेयर द फिलिंग ऑपरेशन इज कैरीड आउट। एसेप्टिक एरिया में पाइपलाइन के थ्रू हम कंपाउंड एंड प्रिपरेशन को भेजते हैं और इसमें क्या होता है फिलिंग ऑपरेशन होता है। तो चौथा होता है क्वारंटीन सिस्टम, दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ ए स्टोर वेयर द इन प्रोसेस बैचेस एज वेल एज अप्रूव्ड बैचेस आर स्टोर्ड सेपरेटली, बैचेस मतलब जो हम प्रिपरेशन बना रहे हैं, जो मेडिसिन बना रहे हैं उसका एक ग्रुप या फिर उसका एक क्या कह सकते हैं मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग या जो एक कंटेनर में होता है या जो बनाते हैं उसको रखते हैं इसमें क्वारंटीन सेक्शन में। द एरिया लिमिटेड एक्सेस एंड इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन के कंट्रोल में होता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंचार्ज एंड अदर्स पर्सन कैन नॉट एंटर इन दिस पार्टिकुलर एरिया, ये पर्सनल लिख गया इसको पर्सन कर लीजिएगा, इसमें बिना इंचार्ज के परमिशन के कोई और पर्सन या आदमी इसमें नहीं एंटर कर सकता है क्योंकि क्वारंटीन सेक्शन होता है, इसमें कंटामिनेशन के ज़्यादा चांस हो सकते हैं। पैकेजिंग एंड लेवलिंग सेक्शन अगला होता है, इन दिस एरिया द बैचेस आर पैक्ड एंड लेवल्ड, पैकिंग इज कैरीड आउट इन पैकेजिंग मशीन्स व्हाइल लेवल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ओवर प्रिंटिंग डिवाइसेस, में क्या होता है पैकेजिंग एंड लेवलिंग होता है, तो जिसमें पैकेज इस कैरीड आउट बैक मशीन होती है पैकिंग मशीन में, इसके बाद इसमें लेवल लगाया जाता है, लेवल जो होता है इसमें प्रोडक्ट के बारे में पूरा लिखा होता है इसमें क्या करना चाहिए, कौन सी कितनी मात्रा है, लेवलिंग आप किए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रैक्टिकल में भी लेवल बनाए होंगे तो आप लोग जानते हैं। एट ए टाइम ओनली वन प्रोडक्ट लेवल आर परमिटेड, एक समय में केवल एक लेवल ही उसमें परमिट। पैरेंटल पैकेजिंग प्लेज ए वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टराइल प्रोडक्ट,
सो आपका पांचवा क्वेश्चन भी सेक्शन सी का भी समाप्त हुआ। इस तरह से हमने सेक्शन ए को सॉल्व किया, सेक्शन बी को सॉल्व किया, सेक्शन सी का पांच क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। दो क्वेश्चन जो और पेपर में है वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। वैसे भी पांच क्वेश्चन लिखने रहते तो मैंने पांच सॉल्व करके आपको बता दिया। सो पैरेंटल पैकेजिंग प्लेज ए वेटर रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टराइल प्रिपरेशन। सो इसका पांचवा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो सेक्शन ए भी पूरा सॉल्व कर लिया, सेक्शन बी भी, सेक्शन सी भी। इसमें हम आपको आज फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड एक कॉमन फैक्ट जो होता है उसको हम बताएंगे थोड़ा। एक फादर ऑफ फार्मेसी किसे कहते हैं, फादर ऑफ फार्मेसी या फार्मेसी का जनक किसे कहा जाता है? तो पूरे विश्व में तो विलियम प्रोटेक्टर जेआर को कहा जाता है और इंडिया में महादेवलाल श्रॉफ को कहा जाता है फादर ऑफ फार्मेसी। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे कोई भी पूछ सकता है, कहीं भी आप पूछा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड हम आपको वीडियो के अंत में ऐसी ही एक फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड कॉमन फैक्ट जो आपको जानना चाहिए, हर एक वीडियो के अंत में एक जानकारी आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर। सो थैंक यू वेरी मच।